आज की युवा पीढ़ी की बात की जाए तो बहुत कम प्रतिशत युवा ही होंगे जिनको बाजीगरों की बाजी के बारे में जानकारी होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब हमें ये देखने को नहीं मिलता। कोई समय था जब गांव में मेले लगते थे, तो उन मेलों में अक्सर देखने में मिलता था बाजीगरों की बाजी, जिसमें बाजीगर बिरादरी की ओर से खेले खेली जाती थी। उन्हीं खेलों को आज युवा पीढ़ी को दिखाने और पुरातन खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए मोगा जिला के गांव बाहुना में बाजीगरों द्वारा बाजी डाली गई। इस बाजी में बाजीगरों द्वारा पुरातन मुकाबले करवाए गए, जिसमें चारपाई को ऊपर बांधकर उसके ऊपर से छलांग लगानी, लोहे के सरिये को मोड़ना, छोटे से लोहे के गोले से 3 लोगों का निकलना, लंबी छलांग लगाना आदि। इसका मुख्य उद्देश्य नौजवान पीढ़ी को नशे से दूर रखना और पुरातन खेलों की तरफ जोड़ना था, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इन खेलों से अपना मुंह मोड़ चुकी है, ये खेल अब आलोप हो चुके हैं। वहीं इस मौके पर बाजीगरों को पगड़ी और नकद इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। पहला तो मैं आप जी के स्रोतों का आप जी के चैनल का धन्यवाद करता जी, तुम सा नगर बहुना के आए हैं, तो ये जे गेम प्रति मेरे मन च आया जी, साडे जिहड़े अज नौजवान वीर आ जिन्होंने पता ही नहीं भी पुरातन खेडा की आ, बाजी की आ, बाजीगर की आ, उन्होंने जरा ज़्यादा रुझान अज के कबूतरबाजी के चला गया सीगा। कुछ दिनों तो दिमाग जिच ये गल रड़कन लग गई भी ये जे घर छत्तों से कबूतरबाज चढ़े फिरते लड़ाइया पीनिया वा, क्यों ना असं इन्हों दसीए कि पुरातन बाजी जी असल बाजी से बाजीगर किमें पाते थे, उन्होंने बाजीगर का जरा कितों दूर नेड़े नंबर लैके प्रबंध किया। बड़ा दुख इस गल का वा भी जी पुरातन बाजी सी, इन बाजीगर दिया गेमां सी खेडां सी, किमें वह मूँह के नाल गाटर सड़दे आ, किमें अग दे विचों दी निकलदे आ, किमें वह कड़ियां दे विच दो 3 जने निकलदे आ, मंजे उपर दी लंबियां छालां लाउणियां, मूंगलियां फेरनियां, यह जी बहुत मैनू लगता सानू भी पुरानी यह जी 30-32 साल पहला वेखन मिली सी बाजी, तो मैं सोचा भी हुण साडे कोल बाजीगर इस वक्त हैगे आ। ये विरसा जिहड़ा लोप हुंदा जांदा, इस विरसे नूं बचाउण दे लई जां नौजवानां नूं जां बच्चिआं नूं दिखाउण दे लई मैनूं उपराला करना चाहीदा। मोगा से संजीव कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी।